बात करिए या चुपके चुपके या कोई भी कितनी बड़ी स्टाकास हो आप अपनी छाप हमेशा छोड़ जाते हैं। इस फिल्म की अगर बात करी जाए क्या ऐसा लगा राजपाल को खुद पर्सनली कि हाँ यार मुझे करनी चाहिए? हाँ मुझे, क्योंकि मुझे मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, अगर मुख्य भूमिका वाली कोई फिल्म है तो उसमें अगर सब्जेक्ट है तभी उसको छूता हूँ, नहीं तो बहुत सारी फिल्में सेंट्रल लीड की ही मना कर देता हूँ, क्योंकि सेंट्रल लीड का फैशन मान के नहीं रखता हूँ अंदर। और बाकी आप लोगों की दुआएं हैं कि मतलब मेहनत करता हूँ और जो भी काम करने की कोशिश करता हूँ ऑनेस्टी से, बाकी आप सब लोग देख के और उसका आशीर्वाद दे देते हैं तो और अच्छा हो जाता है। राजपाल जी, कहीं ट्रेंड चला हुआ है फिल्मों में गानों में फिल्मों में स्क्रिप्ट में गालियों का बड़ा इस्तेमाल करा जा रहा है, बीप ज़्यादा सुनाई दे, डायलॉग कम सुनाई देते हैं, तो क्या मानते हैं आप ये आज की जनरेशन चेंज हो गई है उस तरह के लोग फिल्में पसंद करने लगे हैं? अभी हाल में दिल्ली बेली फिल्म में आपने शायद सुना भी हो भाग डी के बॉस और बहुत तरह की गालियाँ वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये ट्रेंड बदल रहा है, लोग इस तरह की फिल्में पसंद करने लगे हैं? नहीं, ऐसा मेरी समझ से ये क्रिएटिविटी फील्ड है, इसमें ये ट्रेंड चला है या वो ट्रेंड चला है इस पर बड़ा बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्षेत्र है जिसमें कोई सब्जेक्ट है जिसी को 6 दिखता है, दूसरी तरफ से आप दिखते हैं तो वही 9 दिखता है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक अगर किसी में गाली का की ज़रूरत है, नीड है, तो गाली का ट्रेंड समझ लें आप, अगर जिसमें जिस सब्जेक्ट में गालियों की ज़रूरत नहीं है उसमें गाली नहीं रखी जाती है। और सब्जेक्ट के डिमांड पे, सब्जेक्ट किंग है उस वो क्या डिमांड कर रहा है या उसका स्क्रीन प्ले क्या डिमांड कर रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देके फिर जो भी आता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं, तो गालियों को ज़बरदस्ती रखना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ये क्रिएटिव है। लेकिन अब उदाहरण के लिए कि आप डेली वेली का आपने उदाहरण दिया, तो उसमें डिज़ाइनिंग इस तरीके की है कि उन लोगों ने गालियों का यूज़ अच्छे तरीके से किया ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और गालियों का मीनिंग भी समझ में आ जाए, हमें जहाँ तक लगता है ऐसा।